हेलो गाइस, माय सेल्फ मुकुल चोपड़ा। आज मैं आपको बता रहा हूँ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का लेसन 8। आज मैं आपको बता रहा हूँ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स लेसन 8, यस सर, ट्रांजिस्टर। यस सर, ठीक है, तो ट्रांजिस्टर में आपको सबको पता भी है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जो न्यू कमर है, ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं, पीएनपी और एनपीएन। यस सर, ठीक है, ठीक है तो सर, ट्रांजिस्टर का ये जो है पी पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, और ये एन पी एन, यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। यस सर, ठीक है, तो इसका फंक्शन क्या होता है कि ट्रांजिस्टर का क्या काम होता है, आमतौर पे सर्किट में जो जहाँ लगाया जाता है, फ्रिक्वेंसी को एम्पलीफायर करता है, साउंड को एम्पलीफायर करता है, अलग अलग स्टेज में अलग अलग पावर सप्लाई में पावर सप्लाई को रेगुलेट करता है। तो ये ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का करने का काम करता है, मेन मुख्य काम इसका ये है। ठीक है सर, यस सर, तो ये मैंने यहाँ पे अलग अलग ट्रांजिस्टर रखे हैं, ये ट्रांजिस्टर अलग अलग है। इनमें कोई, मैंने ये नहीं बता रहा मैं आपको पीएनपी कौन सा एनपीएन कौन सा है। ये ट्रांजिस्टर, ये एसएमटी ट्रांजिस्टर, इसकी भी देखो तीन टांगे हैं, ये यस देखो सर, इसकी भी तीन टांगे हैं। ठीक है, यस सर, ये जो आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है वो, उसमें भी इसकी चेकिंग तो सेम है जैसे इसमें होती है। तो यस ये सर, इसका आपका ये पावर ट्रांजिस्टर है, ये भी पावर ट्रांजिस्टर है, ये भी पावर ट्रांजिस्टर है। ठीक है, ये बड़े साइज का पावर ट्रांजिस्टर है। अगर इसके एम्पेयरों की बात की जाए तो ये लोड ज़्यादा हाई लेता है। यस सर, ठीक है, और इनमें अलग अलग ट्रांजिस्टर के नंबर होते हैं, नंबर के अनुसार इनकी ना ग्रेडिंग बढ़ती है पावर की। तो यस मैं सर, आपको ना प्रैक्टिकल बेसिस के ऊपर बता रहा हूँ, थ्योरिकल बेसिस के ऊपर तो सारे पढ़ के आए आए होते हैं। ठीक है ठीक सर, है, थ्योरी पढ़नी है तो आप भी बीटेक कर लो और वहीं से आपको सारा कुछ मिल जाएगा। पर यस सर, प्रैक्टिकल बेसिस के ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ जो मेरे पास नॉलेज है। यस ठीक है ठीक सर, है, यस तो सर, इसको कोई बात को कोई काटता है तो मैं इसको कह नहीं सकता, पर मेरी जो मेरी नॉलेज में है, मैं आपको बता रहा हूँ कि बेसिस पे प्रैक्टिकल मेरे पास ट्रेनिंग है, तो उसके ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ। यस सर, ये आपका हो गया एनपीएन और पीएनपी हो गया। मैंने यहाँ पे ट्रांजिस्टर का सिंबल सबको पता है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ न्यू कमर के लिए। ये इसका बेस होता है, ये इसका कलेक्टर होता है, ये मीटर होता है। यस ठीक सर, है, ये प्रैक्टिकल फिगर बनाई हुई है, ये इसका बेस है, ये मीटर है, ये कलेक्टर है। मैं आपको ये बता देता हूँ ये मैंने कैसे बनाई है। ये ऐसे है कि आप अगर इसको व्यू है इसका ऐसा रखोगे, ए ऐसे करके, अगर इसका व्यू आपका ऐसे रखोगे ऐसे, ये देखो, तो ये जो आपका गुलाई वाला हिस्सा है, जो है गुलाई वाला हिस्सा अपनी तरफ रखवाओगे तो ये आपका बेस होगा, फ्लैट आपका ऑपोजिट है। ठीक है, ये बेस है, ये मीटर है, और ये कलेक्टर है। जनरली जो ट्रांसफर आपको मिलेंगे वो आपको ऐसे मिलेंगे, चाहे वो एनपीएन हो चाहे पीएनपी हो। ठीक है सर, ठीक है, जी सर, ऐसे ही आपका आपका ये यहाँ पे ये पीएनपी ट्रांसफर, इसके सिंबल जो होता है, जो तीर अंदर को जा रहा होता है ये सिंबल में, वो आपको मैंने पहले चैप्टर में भी कराया है सिंबल के वाले में। तो इसमें जो तीर अंदर को जा रहा होता है ये पीएनपी ट्रांसफर होता है, और जिसका तीर बाहर को जा रहा होता है वो आपका एनपीएन होता है। ठीक है सर। ठीक है, सर, सर्किट में ज्यादा ट्रांजिस्टर कौन से लगते हैं, एनपीएन या पीएनपी? ज्यादातर जो ट्रांसफर है वो आपके एनपीएन लगते हैं। पीएनपी अगर आपके 100 ट्रांसफर लगे, एक सर्किट में आपके 20 ट्रांसफर लगे हैं, तो उसमें से आपको एक दो ट्रांसफर मिलेंगे पीएनपी, सारे यस सर, बाकी ठीक मिलेंगे एनपीएन। है सर, चाहे वो ये छोटे साइज के हों, सिलिकॉन ट्रांसफर हो, चाहे आपके जो एसएमटी टेक्नोलॉजी के हों, चाहे आपके पावर ट्रांसफर हो, यस सर, पावर यस सर, ट्रांसफर के ऊपर भी नंबर के हिसाब से आपके एम्पेयर बढ़ते हैं। यस सर, और यस सर, इसके भी ऊपर, इसके ऊपर जो है ये ट्रांसफर जो मैंने पहले भी ये आपको मैं बता देता हूँ कि इसके ऊपर ये लगा हुआ, ये कूलिंग टैप। यस ठीक सर, है, ये भी पावर ट्रांजिस्टर है। ठीक है, तो इसमें आपका रेगुलेटर आईसी भी आता है। ठीक है, इसी में, और इसके ऊपर नंबर से पता चलता है कि भी इसका ये कौन सा ट्रांजिस्टर है। यस सर, ठीक है, ये पावर ट्रांजिस्टर ये भी है। और जो आजकल जो नए नए चले हैं ट्रांजिस्टर, उनके ऊपर ये पीछे से नहीं दे रखा, ये प्लास्टिक का है, ये देखो, ये यानी यस कि सर, सिलिकॉन का। ठीक है, इसमें नहीं है। ठीक है, तो इसका इसका भी मैं आपको बेस मीटर कलर बता देता हूँ। तो इसका जनरली जो है, चाहे पीएनपी हो चाहे एनपी हो, अगर आप ट्रांसफर ऐसे होल्ड करोगे इसको ऐसे करके, ये ऐसे फिगर है, तो अगर ऐसे पकड़ोगे तो आपको मैं बता देता हूँ, ये आपका ये बेस है, ये कलेक्टर है, ये वाला सेंटर वाला, ठीक है, यस और सर, ये मीटर है। ठीक है ठीक सर, है, तो जनरली आप ट्रांसफर कोई भी उठाओगे ये आपको एनपीएन ही मिलेंगे, मिल सकते हैं पीएनपी भी अगर आप मार्केट में, आपको सर्किट में डिमांड है, पर जनरली आपके एनपीएन ट्रांसफर लगते हैं। यस सर, ठीक है,
तो मैं तो आपको प्रैक्टिकल बेसिस के ऊपर बात बता रहा हूँ कि भी इसका ये ट्रांजिस्टर के बारे में आपको। बाकी अगले चैप्टर में आगे जाके मैं आपको ट्रांजिस्टर की चेकिंग भी बताऊंगा प्रैक्टिकल बेसिस के ऊपर ठीक है जाके। सर। यस सर। ठीक है, तो अब आपने कोई सवाल पूछना तो आप पूछ सकते हैं। सर एक क्वेश्चन है मेरा, हाँ जी, ये 188 और 148 में क्या फर्क है सर? ये आपको ये तीर से पता चल रहा है, ये तो मैंने आपको प्रैक्टिकल बेसिस में दिखाया आपको। ये आपका आपका एनपीएन ट्रांसफर है, ये आपका पीएनपी ट्रांसफर है सिंबल के हिसाब से। तो सही। 188 जो है आपका और 148 जो है ये कॉमनली ट्रांसफर यूज होते हैं सर्किटों में। ठीक यस सर। है, तो इसमें ये आपका पीएनपी ट्रांसफर है, ये एनपीएन ट्रांसफर है। ठीक। यस सर। सर क्या हम SMD ट्रांजिस्टर की जगह पे ये बड़े वाले ट्रांजिस्टर लगा सकते हैं जो हमारा एक सौ वैसे अड़तालीस तो है, 188 जो है? इसमें लगा हुआ है इसका भी ऐसे ही है, देखो ट्रांसफर गौर से देखो तो इसका भी एक ये बेस है, ये मीटर है, ये कलेक्टर है। ठीक है, इसका ये पावर ट्रांसफर में लगा हुआ है। ठीक है, तो ये आप अगर आपको नहीं मिल रहा बाजार में, वैसे तो कोशिश ये होनी चाहिए कि सेम रेटिंग लगाई जाए। यस अगर सर। आपको नहीं मिल रहा तो आप लगा सकते हो। ठीक है, पर उसमें वो लोड उठाएगा कि नहीं उठाएगा, चलेगा कि नहीं चलेगा, वो कई बारी तो चल भी जाता है, मतलब कि आप फिर 60-40 की रेशियो कह सकते हैं। ठीक यस सर। है, ठीक है आप चला सर। सकते हो। आप कोशिश करो कि आपको वही मिले जो है जितने का है ये लगा हुआ। यस सर। यस सर। चेकिंग लगभग सेम होती है। यस सर। तो आपको ये ट्रांसफर के बारे में आपको समझ आ गया होगा। मैंने आपको पावर ट्रांसफर भी दिखा दिए, SMD टेक्नोलॉजी के भी आपको ट्रांसफर दिखा दिए और जनरल ट्रांसफर भी दिखा दिए। आपको बेस एमिटर कलेक्टर भी बता दिया है और इसका फंक्शन भी आपको बता दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं और आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो मेरा नंबर है 9876132018। धन्यवाद।